कहानी की शुरुआत होती है नंबर 3 नाम के एक लड़के और उसके रक्षक से जो जंगल के बीचों बीच छिपे हुए थे। अचानक उनके ऊपर कुछ रहस्यमयी जीवों ने हमला कर दिया। नंबर 3 ने भागने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अंत में मेगाडोरियन कमांडर ने उसे पकड़ लिया। उसने नंबर 3 का नेकलेस निकाला और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो समुद्र में एक खूबसूरत लड़की के साथ था। तभी अचानक उसकी टांग जगमगाने लगी और वो दर्द से चिल्ला उठा। फिर उसे अचानक नंबर 3 की झलक दिखाई दी और उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं आसपास के लोगों ने जॉन की वीडियो बना ली और उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय बाद उसका रक्षक हेनरी वहां आया और जब उसने जॉन की टांग पर घाव देखा तो वो समझ गया कि नंबर 3 मारा जा चुका है। अब उसने तुरंत ही जॉन के साथ ये जगह छोड़कर जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने सारी तस्वीरें भी चला दी। जल्द ही हमें पता चलता है कि जॉन और 8 और करिश्माई बच्चे असल में दूसरी दुनिया से आए हुए जीव हैं, जो अपने ग्रह लॉरीन से भागकर यहां आ गए थे क्योंकि मेगाडोरियंस नाम के खतरनाक जीवों ने उनके ग्रह पर हमला कर दिया था। ये वही अजीब से गंजे लोग थे जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जॉन का रक्षक होने के नाते हेनरी का काम था अपनी जान तक देकर उसकी जान बचाना। मेगाडोरियंस नंबर के हिसाब से इन सबको मार रहे थे और जॉन की टांग के निशानों के हिसाब से नंबर 1, 2 और 3 मारे जा चुके थे। इसके बाद वो दोनों पैराडाइज शहर में एक पुराने घर में जाकर रहने लगे। तभी एक छिपकली भी उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। फिर हेनरी ने हर जगह से जॉन की पहचान पूरी तरह मिटा दी ताकि मेगाडोरियंस कुछ भी करके उस तक पहुँच न सकें। अचानक उन्हें घर के बाहर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। असल में ये वही छिपकली थी जो अब एक कुत्ते में बदल चुकी थी। जॉन ने उस कुत्ते को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम रखा बर्नी। फिर देर रात को हेनरी ने एक रहस्यमयी डब्बा घर की एक घड़ी में छिपा दिया। उधर नंबर 6 पुराने बंगले में पहुंची तो उसे जॉन और हेनरी का कोई नामो निशान नहीं मिला। आखिरकार उसने पूरे बंगले में आग लगाकर धमाका कर दिया और तब ये खुलासा होता है कि आग इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उधर अगली सुबह जॉन ने स्कूल जाने का फैसला किया तो हेनरी ने उससे वादा लिया कि वो किसी को अपनी सच्चाई का पता नहीं लगने देगा। बाद में जब वो स्कूल पहुंचा तो उसे सरा नाम की एक लड़की दिखाई दी और वो जॉन को बहुत पसंद आई। इसके बाद उनकी टीचर ने सारा से जॉन को स्कूल दिखाने को कहा। कुछ देर बाद जॉन ने देखा कि मार्क नाम का एक बदमाश लड़का अपने दोस्तों के साथ एक शरीफ से बच्चे को परेशान कर रहा था। तब जॉन ने उस शरीफ लड़के सैम की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जॉन ने देखा कि मार्क फिर से सैम को परेशान कर रहा था। जॉन को गुस्सा आ गया और उसने एक फुटबॉल उठाकर धड़ाके से मार्क के एक दोस्त के पेट में मारी। तभी जॉन ने देखा कि सारा चुपके से उसकी तस्वीरें ले रही थी। उधर मॉग्स चले हुए बंगलों तक पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि नंबर 4 अब भी जिंदा है। उस रात जॉन को एक वेबसाइट मिली जिस पर सारा अपनी खींची हुई तस्वीरें डालती थी और उनमें जॉन की भी काफी तस्वीरें थी। लेकिन जल्द ही हेनरी ने सारी तस्वीरें हटा दी क्योंकि वो जॉन को छिपा कर रखना चाहता था। फिर अगले दिन क्लास में अचानक जॉन के हाथ काफी तेज रोशनी से जगमगाने लगे। जॉन घबरा कर स्टोर रूम में भागा और रोशनी बंद करने की कोशिश की। उधर हेनरी को भी घड़ी में वही रोशनी दिखी और वो तुरंत जॉन के स्कूल पहुंच गया। उसने जॉन को शांत किया और कहा कि इस रोशनी का मतलब है कि जॉन की शक्तियां जाग रही हैं। फिर वो दोनों घर आ गए और हेनरी ने कहा कि अब जॉन और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसीलिए उसे अपनी शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा। अब जॉन ने बाहर जाकर अपनी शक्तियों को आजमाकर देखा और इधर उसका कुत्ता छिपकर उस पर नजर रखे हुए था। दूसरी ओर मेगाडोरियन कमांडर भी शहर तक आ पहुंचा और उसने पूरे सुपरमार्केट का खाना खरीद कर अपने विशाल सैनिकों को खिलाया। इधर जॉन को अचानक से सारा मिल गई और वो दोनों सैर पर निकल गए। तभी उन्हें सैम दिखाई दिया जो अपने सौतेले बाप के साथ था। फिर सारा जॉन को अपने घर डिनर के लिए ले आई और उसे अपने माँ बाप से मिलवाया। सारा की माँ ने सलाह दी कि सारा को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, इसीलिए उन्हें नाइट कार्निवल मेले में जाना चाहिए। खाने के बाद सारा जॉन को अपने कमरे में ले आई और तब जॉन को पता चला कि सारा को तस्वीरें खींचना तो पसंद है लेकिन अपनी खिंचवाना नहीं पसंद। अचानक उसी वक्त बर्नी घर के बाहर आ पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। थोड़ी देर बाद जॉन को मजबूरन उसके साथ जाना ही पड़ा। फिर अगले दिन सैम ने जॉन से पूछा कि उसके हाथों में क्या हुआ है, पर जॉन ने बात टाल दी। इसके बाद जब उन्होंने अपने लॉकर खोले तो अचानक मार्क का रखा हुआ गुलाबी रंग सीधा उनके मुंह पर आ गिरा।
तभी जॉन के हाथ फिर से जगमगाने लगे, पर जैसे तैसे उसने अपने गुस्से पर काबू किया और वहां से चला गया। इसके बाद जॉन और सैम बाथरूम में रंग साफ कर रहे थे तो सैम ने उसे बताया कि उसके असली पिता दूसरे ग्रह से आए लोगों पर रिसर्च कर रहे थे, पर फिर अचानक एक दिन वो लापता हो गए। सैम का मानना था कि वो आज भी जिंदा है। फिर हेनरी ने सैम के पिता पर थोड़ी रिसर्च की और वो एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचा, जहां सैम के पिता एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वहां उन्हें दीवारों पर कई रहस्यमय निशान दिखे और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े एक जगमगाते पत्थर पर पड़ी, जिसे लोकेटर कहते हैं। उधर सारा और जॉन रात को मेले के हॉन्टेड हाउस में चले गए। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो मार्क और उसके दोस्तों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने जॉन को बुरी तरह पीटा और सारा को अगवा करके मार्क के पास ले आए। अब जॉन को मजबूरन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा और तभी सैम ने चुपके से उसे देख लिया। आखिरकार जॉन ने उन सबकी हड्डी पसली एक करके सारा को छुड़वा लिया। बाद में जॉन ने अपनी शक्ति से एक लाइट को तोड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां और बढ़ गई हैं। इसके बाद वो सीधा सैम के घर गया और उसे अपनी असलियत बताई। तब सैम को यकीन हो गया कि उसके पिता दूसरे ग्रह से आए लोगों के बारे में सब सच कहते थे। खैर, फिर जॉन ने सैम से वादा लिया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन मार्क का बाप, जो कि एक पुलिस वाला था, जॉन के घर आ धमका, क्योंकि जॉन ने उसके बेटे को पीटा था। पर जॉन कहने लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। कुछ देर बाद हेनरी ने देखा कि समुद्र में जॉन की टांग जगमगाने वाली वीडियो वायरल हो गई थी और हेनरी उसे हर जगह से हटा भी नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने जॉन को लेकर यहाँ से भी निकलने का फैसला किया, पर जॉन ने कहीं भी जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो सारा से प्यार करने लगा था। इस बात पर तो हेनरी और जॉन में हाथापाई भी हो गई। फिर कुछ समय बाद जॉन को खबर मिली कि हेनरी को किसी ने अगवा कर लिया है और उसे बचाने के लिए जॉन को एक खुफिया जगह पर जाना होगा। अब जॉन सैम को साथ लेकर उस जगह की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर जॉन ने सैम को एक आदमी का पीछा करने को कहा और वो खुद एक सुनसान घर में घुस गया। जल्द ही उसकी नजर हेनरी पर पड़ी, जिसे किसी ने बांध कर रखा था। तब ये खुलासा होता है कि हेनरी को मॉग्स के भेजे हुए दो रिसर्चर्स ने अगवा किया था। तभी अचानक एक मोगाडोरियन ने धमाके से दरवाजा उड़ाकर उन पर हमला कर दिया। फिर हेनरी ने उस अजीब सी चीज का मुकाबला किया और पीछे से जॉन और सैम मौका देखकर वहां से भाग निकले। तब सैम की गाड़ी की चाबी कहीं खो गई, इसीलिए जॉन ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से गाड़ी को चालू किया। लेकिन उनके जाने से पहले वो मोगाडोरियन वहां आ पहुंचा और उसने हेनरी की छाती में छुरा घोंप दिया। खैर, फिर सैम ने गाड़ी भगाई और हेनरी ने अपना खास चाकू और लोकेटर जॉन को देकर कहा कि सैम के पिता इस पत्थर की मदद से दूसरे ग्रह से आए उन करिश्माई बच्चों को ढूंढ रहे थे। इसी के साथ हेनरी का आखिरी वक्त आ गया और उसने मरते हुए जॉन से कहा कि उसे अपने जैसे और लोगों को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उन सबकी शक्तियां मिलकर ही मेगाडोरियंस का खात्मा कर सकती हैं। वहीं कुछ मेगाडोरियंस रिसर्चर्स के घर पहुंचे और उन्हें एक तेज धार डिवाइस से मार डाला, क्योंकि वो जॉन को पकड़ने में नाकामयाब रहे थे। दूसरी ओर पैराडाइज शहर की पुलिस ने जॉन के घर की तलाशी लेकर उसे एक आतंकवादी घोषित कर दिया था। सारा को भी उस पर शक हो गया और वो भी जॉन पर सवाल उठाने लगी। उधर सैम और जॉन गाड़ी में थे तो सैम ने उसे बताया कि मेक्सिको में रिसर्च करते हुए उसके पिता को जो जगमगाता हुआ पत्थर मिला था, उसका एक हिस्सा सैम के पास अभी भी मौजूद है। इसके बाद जॉन ने सारा के घर जाकर उसे पूरी सच्चाई बताई और वहीं सैम को अचानक बर्नी भी मिल गया, जिसने पत्थर ढूंढने में सैम की मदद की। लेकिन जल्द ही पुलिस ने सारा को घर पहुंचाकर उन दोनों को छत पर घेर लिया। अचानक सारा का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई, पर खुशकिस्मती से जॉन ने अपनी शक्तियों से उसे हवा में ही रोककर उसकी जान बचाई। इसके बाद वो दोनों भाग निकले तो रास्ते में उसने पुलिस की गाड़ी को भी आसानी से हवा में उड़ा दिया। फिर वो दोनों भाग कर जल्दी से स्कूल में छिप गए। उधर मॉक्स ने भी परग्रहियों के ट्रक्स भरकर मार्क और उसके पिता का रास्ता रोक लिया। फिर मोगाडोरियन कमांडर ने मार्क को धमकी देकर उसे जॉन के पास ले जाने को कहा। उधर सैम ने जॉन को खबर दी कि मॉक्स ने स्कूल को चारों ओर से घेर लिया है। अब जॉन और सारा भागने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक नंबर 6 यानी जेन अपने खास हथियार के साथ उनकी मदद करने आ पहुंची। मेगाडोरियंस और उसके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और जल्द ही जेन ने अपनी तेज रफ्तार से दो गोतों मार गिराया। उधर मॉक्स ने अपनी राक्षस छिपकलियों से उन पर हमला किया तो अचानक बर्नी भी एक खतरनाक राक्षस में बदल गया। खूंखार छिपकलियां सैम और जॉन पर झपट पड़ी, पर तभी बर्नी ने गुस्से में आकर चारों ओर तबाही मचा दी। एक काफी लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद बर्नी ने उड़ती छिपकलियों को मार डाला और खुद जख्मी होकर अपने असली रूप में आ गया। उधर जेन की हालत भी काफी नाजुक थी, लेकिन ऐन वक्त पर जॉन ने उसे अपनी शक्तियों से ठीक किया। अब तक वो भी नहीं जानता था कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति भी है। खैर, बाद में उन दोनों ने मिलकर मॉक्स का सामना करके उन्हें खत्म कर दिया।
फिर जॉन, जेन और सैम मैदान की ओर भागे, पर वहाँ कमांडर अपने राक्षस के साथ उनका इंतजार कर रहा था। एक बार फिर से जॉन और जेन ने मिलकर सभी गार्ड्स को मार डाला, और अब वो कमांडर को भी मारने ही वाले थे कि तभी अचानक एक अजीब से जीव ने जेन को पकड़ लिया। तब जॉन ने अपनी जबरदस्त ताकत से उसकी मदद की और अंत में एक जोरदार धमाका करके कमांडर को भी हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। खुशकिस्मती से जेन की आग से बच पाने की शक्ति की वजह से जॉन और जेन दोनों की जान बच गई। फिर अगले दिन उन्होंने पत्थर के दो हिस्सों को जोड़ा, जिससे उन्हें अपने साथ आए बाकी लोगों का भी पता चल गया। तभी अचानक मार्क ने वहां आकर हेनरी का रहस्यमय डिब्बा जॉन को दे दिया। आखिरकार सैम भी उनकी टीम में शामिल हो गई, और फिर जॉन ने सारा को चूमकर जेन, सैम और बर्नी के साथ बाकी के खास लोगों को ढूंढने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।